हम आजादी के करीब बस पहुंच चुके हैं। अरे वाह एक्रोबैट्स, मुझे नहीं पता था यहाँ सर्कस का शो चल रहा है। मुझे भी कुछ करतब दिखाने आते हैं, देखना चाहोगे क्या? ये देखो। अच्छा था ना, एक और स्टंट दिखाऊं तुम्हें? खाना तैयार है। आओ और संस्कार सिखाओ बच्चों। पता है ये मैंने खुद बनाया है। खाना आपने क्यों बनाया जलर साहब? रसोईया कहाँ चला गया? मेयर के कहने पर टाउन एनिवर्सरी के लिए खाने की तैयारी हो रही है। हमारा शेफ बहुत बिजी है, शायद उसे एनिवर्सरी स्पेशल केक बनाने तक का टाइम नहीं। ऐसा क्या? मस्त वाला आइडिया भाइयों, हम एनिवर्सरी के लिए बड़ा केक बनाएंगे और उसमें बैठ कर हम जेल के बाहर निकलेंगे और मिलेगी आजादी। स्मार्ट आइडिया ना। केक बनाओगे? अजीब बात है, ऑलरेडी बहुत कैदियों ने केक बनाने के लिए प्रस्तावना दे रखी है। हाँ। ये मेरा आइडिया था। शायद मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। क्यों ना हम एक कुकिंग कॉन्टेस्ट रखे, जो सबसे स्वादिष्ट केक बनाएगा वही टाउन एनिवर्सरी का केक भी बनाएगा। एक्सलेंट आइडिया, मैं बात से सहमत हूँ, कॉन्टेस्ट शुरू किया जाए। तो यहाँ तुम केक बनाओगे और गार्ड्स तुम पर नजर रखेंगे। क्या हम कॉन्टेस्ट जीतने वाले हैं? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इन घोचों ने कभी किचन में पैर रखा होगा। तो कौन संस्कारी क्या बना रहा है? मैं हिमालयन संतरे के आउटफिट में क्रीम और डार्क चॉकलेट कुकी केक बनाने की सोच रहा था। और मैं सोच रहा था एक रास्पबेरी मूस फ्लैन, जिसके बीचों बीच गांव के फूल सजेंगे। क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। और तुम डाल्टन्स? हम आपको सरप्राइज देंगे। मुझे संस्कारी सरप्राइजेस बहुत पसंद है। ऑल द बेस्ट। हमें केक लगे वैसा कुछ तो बनाना ही होगा। काश हमें पता होता कि मिस बेटी को एग्जैक्टली क्या पसंद है। ये वही ना बात, हमें जीतने के लिए मिस बेटी के सबसे फेवरेट केक बनानी होगी। भाइयों कमरे में कोई नहीं है, चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ ढूंढो जिससे हमें उनकी फेवरेट चीज पता चले। यहाँ तो कुछ नहीं मिला। ये देखो भाइयों, मिस बेटी की बचपन की तस्वीर है। इनका चेहरा तो देखो। रुको, ये क्या है? चेहरे पर खुशी तो देखो, शायद मुझे पता चल गया कि इनको कौन सा केक पसंद आएगा। स्पैचुला, ब्लेंडर, हथौड़ा, औरा, स्पंज। ठीक है, हमने केक बना लिया, अब पकने का इंतजार करते हैं। हमारा केक तैयार है। ये चॉकलेट केक। केक कॉन्टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो एक्रोबैट, फिर कुश्ती और अब जादू के खेल। वाह, ये तो केक निकला। अब चॉकलेट निकालो। एक बर्थडे केक। ये तो काफी ओरिजिनल है। क्या इतना सड़ा रिएक्शन? समझ नहीं आया, हमने बिल्कुल वैसा बनाया जो इस फोटो में। लेकिन वो केक को नहीं बल्कि इस डॉल को देख रही थी। अच्छा है, जैसे कोई सादा चॉकलेट केक। बाकी केक देखते हैं। भाई तोड़ फोड़, गार्ड्स को मैं संभाल लूंगा। तो कौन जीता कॉन्टेस्ट? डाल्टन्स कॉन्टेस्ट जीत गए हैं संस्कारों से। चलो भाई असली केक तो अभी बनाना। अरे आटा किसके पास है? आटा मैं गूंदूंगा। लगता है सर्कस के शो के बाद डिनर का भी आयोजन किया गया है। वाह, चाचा अब हमें बस
अंदर जाना बाकी है। चला। डाल्टन्स ने कितनी संस्कारी मेहनत की है, काश वो ये सब देखने यहाँ पर मौजूद होते। हम गए पर मिस बेटे, तैयार रहना भाई, अब पतली गली पकड़नी है। तो ये है आखिरी कर्तव्य, इसके अंदर जरूर कोई तरकीब होगी। है ये तो अपने डाल्टन्स हैं, मजा आएगा अब। बस भाई थोड़ी देर और, बस पहुंचने वाले हम लोगों को। शायद तुम्हें कुकिंग की ज्यादा जानकारी नहीं है, पता नहीं क्रीम धूप से पिघल जाती है। हम उसका पीछा करते हुए आ गए। गार्ड्स जाओ, इन्हें कूलर में रख दो। नो, प्लीज इन्हें संस्कारी सजा देना। तुम ये केक नहीं खा सकते, चलेगा। हर बार मेरा ऐसा क्यों होता है? और अब जादूगर जोजो हम सबके सामने पेश करेंगे अपना वेदर डांस। बहुत सिंपल है, वातावरण में गर्मी बढ़ाने के लिए बाएं जाओ। जिंगा लाला गर्मी, जिंगा लाला गर्मी, जिंगा लाला गर्मी, जिंगा लाला गर्मी। और गर्मी को ठंडी में बदलने के लिए अपने दाएं जाओ। जिंगा लाला ठंडी, जिंगा लाला ठंडी, जिंगा लाला ठंडी। इसे पहले कहीं देखा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं देखा। तो फिर ऐसे ताली बजाने का। झिंगा लाला हो, झिंगा लाला हो। बर्फीला मौसम, बर्फीला मौसम। यार अब भाई, मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। आइडिया? को जादू करो और ये वेदर चेंज करो। ये एक जेल है, कोई गार्डन नहीं। संभालो, यहाँ स्लिपरी है। बस अब कल कोशिश करना। चलो रेसेस खत्म हुआ। इसे हटाने में क्या मदद कर सकते हैं जेलर साहब? देखिए हो गया। आइस क्यूब, बहुत अच्छे, मस्त शो पीस लग रहा है। गुड डाल्टन्स, अब जाओ बाथरूम साफ करने में क्रिएटिविटी इस्तेमाल करो। चलो कूदो, बिल्कुल डरना मत, बर्फ की वजह से चोट नहीं लगेगी। चलो डाल्टन्स को ढूंढते हैं, ठंडे मौसम में इवनिंग वॉक भी हो जाएगी। ठंडे मौसम में वॉक? वो हम इस बार नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या कहता है सर, अगर बर्फ इसी तरह पूरा साल गिरे तो काम इजी हो जाएगा? सबके लिए नहीं। कभी सोचा नहीं था बर्फ में सिर घुसाकर शीर्षासन करूंगा। मने बर्फ में पसीना हो रहा है। तो मैं क्या जादू से हवा ले कर आऊं? बस बस यहीं रुक जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं तो आराम करने रुकना होगा।
बस बस यहाँ रुक जाते हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं आराम करना ही होगा। इतने ठंड में तो हमारी कुल्फी जम जाएगी सर, अच्छा हुआ टेंट ले आए। इतनी ठंडी में हमारी कुल्फी जम जाएगी, चलो इग्लू बनाते हैं। ये इंटीरियर डिजाइनिंग जरूरी है क्या? चलो अब चलते हैं। दरवाजा जम गया है। अरे हाँ तो उठा लो दम लगा के। इतना ज्यादा चलूंगा तो मेहनत से बढ़ाया हुआ वजन कम हो जाएगा सर। अरे ये तो हमारा शेरू है। आ जाओ मेरे प्यारे शेरू। मेरे प्यारे शेरू तुम कहाँ हो? हम बस पहुंच ही गए, वो बॉर्डर क्रॉस कर ली तो आजाद। वो बॉर्डर मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, फिर से कोशिश करूँ क्या? जिंगलाला हो हो, जिंगलाला हो हो, जिंगलाला हो। लगता है फिर से गलत कर दिया मैंने। अचानक से इतनी हवा कहाँ से आ रही है? ये हवा आजादी की है। गेम ओवर, पिकनिक हुई खत्म। गर्मी का मौसम शुरू हो उससे पहले अपने जेल वापस चलते हैं। ब्रोकन बैंक साहब से मिलना चाहता है ज्वेलर साहब। नमस्ते पीबॉडी जी, आज हमारे बच्चे की बर्थडे पार्टी थी और ये जो अपने आप को जादूगर कहते हैं, इन्होंने स्पेल में कुछ गड़बड़ कर दी है। अच्छा, और अब उसका असर कुछ ऐसा है कि एक तूफान आने वाला है। तूफान आ रहा है? हाँ, एकदम छोटा सा। अगर आप यहाँ हमें जगह दे दे तो बड़ा अच्छा होगा। और तुम यहाँ बाहर रुको और कुछ करो बुद्धू जादूगर। हैप्पी बॉडी जी, यहाँ देखिए ये क्या है। तूफान है ये तो। गोल गोल घूमता है, बचाओ, भागो भागो। मैंने कहा भागो, बचाओ। रुको, मैं भी छुपन छुपाई खेलूंगा। नीचे के कमरे में छुप जाते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है, सब लोग शांति और अच्छे संस्कार से जाएंगे। कोई भाग न जाए इसलिए हमने वो बंद कर दिया है। करेक्ट, मस्त वाला आइडिया है। अकरा बकरा गिली गिली इचकारा, जाकर जाकर शायद ये नहीं है, ये तो होगा, ये भी नहीं होगा। हकारा हकारा। ये हो गया।
जगह कितनी अच्छी है, किसी शेर की गुफा की तरह। अरे ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ किचन भी है, यहाँ लाइब्रेरी भी है और ये खुफिया दरवाजा बाहर। अरे मैडम ये तो मजाक कर रहा है। चलो अंताक्षरी खेलते हैं। कौन सब छुपन छुपाई नहीं खेल रहे क्या? ऐसे आगे से कौन थप्पा करता है क्या? तूफान बाहर है और एक हमारे अंदर है। सुनो, इन सब के सो जाने के बाद जेलर के ऑफिस में जाकर चाबियां निकाल कर फुर हो जाएंगे। लेकिन हम खुद भी सो गए तो क्या होगा? काफी उबाल गया। मुझे तो अब मैं भागने के लिए तैयार हूँ, कोई शक? चाय पीने से ये उल्टी कर देता है तो कॉफी पीने से क्या होगा? लगता है ये लोग कभी नहीं सोएंगे, ऐसा ही निकलना होगा। चार्ल्टन्स भाग रहे हैं, हमें उन्हें पकड़ना होगा। कोई है जो उन्हें पकड़ना चाहेगा? नहीं अभी मेरा मूड नहीं, नहीं है, मुझे घर जाना है। ऊपर वाला उनकी रक्षा करे। ये हुई ना बात, अब हम लोग आजाद हो गए, कोई शक? लेकिन क्या तूफान के बीच जाना ठीक रहेगा? तुम्हें यहाँ तूफान कहाँ दिख रहा है? हाँ वहाँ। भागो! क्या हम फिर से छुपन छुपाई खेल रहे हैं? कम से कम हम लोग आजाद तो हो गए। जाओ और पकड़ो ने। इस लकड़े को ठोस बना। हम आजाद हो गए, हम आजाद है और हम लोग आजाद हो गए। पकड़े गए बरखुदार। नहीं ये बहुत गलत है। अरे जो हम जेल से भागते हैं और जेल हमारे पीछे आ जाता है, अब हम क्या करेंगे भाई? कल्टी खाते भैया। ये सुनो, टूरिस्ट के रहने के लिए सरकार स्कूल्स और सैलून्स को होटल में बदलने की सोच रही है। जरा सोचो अगर जेल को भी होटल बना दिया जाए तो। मेरा पास एक मस्त वाला आइडिया आया। अरे भाई चलो गड्ढा खोदते, मजा आएगा। ऐ
मेरा जेल एक होटल, मजाक मत करो, वैसे भी ये कानून के खिलाफ है। अब तुम लोग जा सकते हो, बाय बाय। जेलर साहब, इस बार काफी खर्चा हो गया है। रुको डाल्टन। मैंने फिर से सोचा है, होटल बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते, ठीक है? बोलो मंजूर है? हाँ। और ठीक है, डील। लेकिन डाल्टन्स, अचानक से होटल का ख्याल कैसे आया? कुछ खास नहीं, हमारा रूम खाली रहता है ना, तो सोचा किसी जरूरतमंद को काम आएगा। क्या मस्त वाला आइडिया है ना जेलर साहब। मैं अपने भाई को इसके बारे में बताऊंगा, वो भी एक जेल का जेलर है। एवरल रिसेप्शन संभालेगा। जैक जूस काउंटर पे। और विलियम चंपी मालिश करेगा। यहाँ क्या हो रहा है जेलर साहब? ये सब सुविधाएं हमारे कैदी आराम से रह सकते हैं इसीलिए है। जमाने के हिसाब से बदलाव जरूरी है, यही तो हमारे संस्कार है ना मिस बेटी। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो खुला दरवाजा खतरा साबित हो सकता है। सही बात है, इसीलिए यहाँ शेरू नजर रखेगा। और इसीलिए मैं जेलर हूँ, तुम नहीं मिस बेटी। अच्छे संस्कार। दरवाजे पर खिलौना लगाया है, क्या बात है। हमारी होटल में आपका स्वागत है। अरे मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, आपका सामान हम पहुँचा देंगे। जो अगर ये खिलौना नहीं है तो क्या हो सकता है? मेरे प्लेनेट पर जाने का रास्ता, मैं जा था वही वापस आ गया। खिलौना, ये रहा आपका कमरा। इनके सिर पर मत खड़े रहो, चलो यहाँ से। अरे रुको, मुझे बच्चे के लिए दूध चाहिए। मुझे ठंडा आइसक्रीम चाहिए। यहाँ ऐसी नहीं है। सब मेरे साथ चलो। क्या बात है, सारे कमरे बुक हो गए हैं। सुनिए, मेरे रूम में नाश्ता भेजिए। मुझे मेरे बच्चे के लिए डायपर्स चाहिए। एक नरम तकिया चाहिए। मैंने आइसक्रीम ऑर्डर किया था। यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है। एक VIP रूम खाली है सर, व्यू के साथ। कमरा चाहिए क्या? अब सही जगह आया सर। ये तो उल्टा पड़ गया भाई, पहले हम सिर्फ कैदी थे, अब सारा दिन काम करना पड़ रहा है। एक आइडिया आया, क्यों ना हम खुद कस्टमर बन के आए। यही मौका, चला। आप लोग जा रहे हैं, हमारा होटल अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा, लेकिन हमें कल घर पहुंचना है। हाँ हाँ बेटा, हम घर पहुंच ही रहे हैं। ठीक है, जैसा आप कहें, मैं आपका बिल दे देता हूँ। आपका हुआ 45,450, टिप अलग से। हम इसे दो किश्तों में भर सकते हैं क्या? अभी कुछ नहीं और बाकी कब भी नहीं। थोड़ा शरारती बच्चा है। गार्ड्स, सावधान हो जाओ, डाल्टन भाग रहे हैं। मेरे पीछे। अरे अब लोग भाग क्यों नहीं रहे? उनको लेकर आओ जल्दी। ये हमारे संस्कार नहीं है। जेल को होटल बनाकर आपको कितना असंस्कारी फायदा हुआ है। अभी तक सोए नहीं मिस बेटी आप। ये तो बेहद घटिया होटल है, हमारे सारे कपड़े भी चोरी हो गए, हम कोई भी बिल नहीं भरने वाले।
ये खिलौना तो काफी मजेदार निकला। पतली गाली पकड़ा चल दे। भाइयों हमें आजादी मिल गई। लेकिन हम थक गए हैं भाई, काम के चक्कर में ना कुछ खाया है और ना ही ढंग से सोए हैं। ठीक है अगले होटल में रुक जाएंगे। कैसी जगह है, कस्टमर के स्वागत के लिए कोई नहीं। हेलो कोई है क्या? जेलर साहब आप? हाँ मैं हूँ एबल पी बॉडी, मेलविन का बड़ा भाई। तुम कैसे हो डाल्टन? अपने डेकोरेशन तो अपने भाई से अच्छा किया है।